दशहरा का वो दिन जिस समय बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने व रावण दहन देखने लोग रीवा के एनसीसी ग्राउंड में एकजुट हुए थे। एक तरफ जहां कार्यक्रम में खूब गाना बजाना धुन चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति जनसेवा कदम भरने वाली पुलिस अपनी जनभक्ति व धुन में लगी हुई थी। आपको बता दें कि जो वायरल वीडियो सामने आया है उसमें रीवा पुलिस का वो चेहरा सामने आया है जो समाज व देश हित के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जानकारी के अनुसार दशहरा कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति जो कार्यक्रम देखने ग्राउंड में पहुंचा, उनके कुछ दोस्त जो गेट के बाहर थे, वो पुलिस का तगड़ा पहरा वहां पर लगा हुआ था। वो गेट पर पहुंचे, वो पुलिस से अंदर आने की बातचीत करने लगे। उसी समय रीवा पुलिस के अधिकारी व्यक्ति पर टूट पड़े और लात घूंसे व डंडे के साथ युवक की बेदम पिटाई कर दी और गेट में ले जाकर गर्दन फंसा कर लाठी से पीटा गया व सिविल लाइन थाने ले जाया गया। पुलिस के रुद्रयुक्त घटना में व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं। पुलिस थाने से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गई और वहीं से उसे छोड़ दिया गया। जिसने भी पुलिस का यह रूप देखा वह सन्न रह गया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस व्यक्ति ने कौन सा बॉर्डर लांघा या कानून तोड़ा कि पुलिस भूखे शेर की तरह उस युवक पर टूट पड़ी। वो भी एक पुलिस नहीं 10 से 15 पुलिस के लोग एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फाइटिंग कर रहे थे। पीड़ित व्यक्ति ने पूरे मामले पर जिला प्रशासन से जांच की मांग की है व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये तो रही एक पक्ष की बात, अब पुलिस कर्मियों द्वारा क्या निकल कर सामने आता है यह बात देखने वाली दिलचस्प होगी। आखिर किस कारण युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, पुलिस का पक्ष आना भी बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं आप? जी, मैं वकील। कल एनसीसी ग्राउंड में दशहरा देखने के दौरान क्या मामला था, क्या बातचीत हुई थी? बातचीत कुछ नहीं थी, वीआईपी पास मिले हुए थे हमें मित्रों से जो है जी। उसमें हम अंदर गए हुए थे, क्योंकि मैं पहले से अंदर था, कुछ हमारे साथ के मित्र बाहर रह गए थे जी। उनको मैंने अंदर बुलाने का प्रयास किया था गेट के पास। जी, गेट के पास। तो गेट के पास कितने पुलिसकर्मी थे? लगभग 15-20 पुलिस वाले रहे होंगे वहाँ पे जी। और उन्हीं के बातचीत में कि भाई कि हमारे साथी जो बाहर हैं उनको जी, भी अंदर आने दीजिए जी जी। तो वो क्या कर रहे थे? वो अभद्र शब्दों में बात कर रहे थे। अभद्र शब्दों से मैंने उनको टोका कि कृपया जो है गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे, हमें आप अब शब्दों का प्रयोग मत करिए जो है आपके सभी यहाँ पे। मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी जी जी, और आपको बता दूं कि लगभग 128 बार मैं खून दे चुका हूं जी। हाँ, मध्य प्रदेश में मेरा एक नंबर में नाम है जी जी। तो वो बात माने नहीं, अचानक जो कोई भी जो भी बात उनको लगी हो उन्होंने मारपीट चालू कर, डायरेक्ट कुछ भी बातचीत नहीं हुई, डायरेक्ट मारना स्टार्ट कर दिया, सीधे मारना चालू किया, गाली देते हुए सीधे गेट खोले और मारना चालू कर दिए बहुत बुरी तरह से। वीडियो में तो ऐसा दिख रहा है कि आपको लुटा लुटा के मार, मतलब कि जी हाँ, मुझे जमीन में लुटा करके मारा, 15 से 20 लोगों ने इकट्ठा होकर जी। और मुझे ये चोट भी लगी है आपको, ये कैसे जी? पहले जब वहाँ मार रहे थे तब तो उस समय नहीं था, लेकिन बाद में जब मुझे बाहर ले जाया गया तब कहीं चाकू से मेरे ऊपर हमला किया गया। अच्छा, मतलब कि वो घटनास्थल से थाने ले जाते टाइम? घटनास्थल से थाने ले जाते समय एक बार तो मुझे गेट में मारा गया, तो जो मेरी आंख में चोट आई है वो लोहे के गेट में, जब आप देखे होंगे आपके वीडियो में दिखा होगा जी, हाँ, जो उन्होंने धक्के लिए, मेरे गर्दन में लाठी मारी है, मेरे आंख में चोट आ गई है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। और ये बाद में बाहर ले जाते वक्त कब कैसे चाकू मार गए ये ध्यान नहीं दे पाया मैं, लेकिन ये चाकू का मार है। और ये पुलिस वाले द्वारा, पुलिस की एमएलसी जो बिछिया हॉस्पिटल में एमएलसी हुई है जी, उसमें इसकी घटना का रिपोर्ट आई हुई है। अच्छा अच्छा, एमएलसी हुई आपकी? एमएलसी हुई है मेरी जी जी। तो अब आपने एफआईआर वगैरह कोई आवेदन वगैरह कहीं कुछ दिया अभी? अभी तो नहीं, मैं इस कंडीशन में ही नहीं था कि रात में जो इतना विलंब हो चुका था और चूंकि चोट भी लग गई थी जी। उस लायक नहीं था, लेकिन अब जो चूंकि हमारे उसमें छुट्टी भी चल रही है तो इसकी कार्रवाई मैं आगे करूंगा जी। वहां से आपको थाने ले गए थे कि कहीं और ले गए थे, अन्यथा ले गए थे एनसीसी ग्राउंड से? नहीं, एनसीसी ग्राउंड से मुझे सीधे सिविल लाइन थाने में ले गए थे। वहां भी टॉर्चर किया गया था क्या? वहां भी मारा गया था जी जी। फिर उसके बाद आपको छोड़े कैसे किसी? नहीं, जो पुलिस हमको ले गई थी वो छोड़ के वहां से चली आई, फिर हमको सिविल लाइन थाने की पुलिस हमको जो है फिर पीछे अस्पताल ले गई थी। अच्छा, फिर एमएलसी करवा के छोड़ दिया गया था? एमएलसी कराने के बाद एक घंटे तक बैठाए रहे, उसके बाद बोले जब टीआई साहब नहीं आए, टीआई साहब को कोई साहब ने फोन करके फिर बोला कि बाद में बोले, और बोले सुबह 11 बजे आपको बुलवाएंगे, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया है सर जी। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। क्या चाहते हैं आप इसमें?
मैं चाहता हूं कि ये शासन व्यवस्था जो ये कानूनी व्यवस्था है, गुंडागर्दी ये गुंडागर्दी जो पुलिस द्वारा की गई है, ये आज एक अधिवक्ता के साथ हुई है, कल एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, जो कि एक बिल्कुल बर्बरता और जर्जरता की कायमी में है। आज भले आचार संहिता लगी है, लेकिन कम से कम आदमी का न्याय से जो है, न्याय से विश्वास नहीं उठना चाहिए। इसकी जो है प्रॉपर वे में जांच की जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए। पता चला कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, और पिछली बार पिछले दशहरा में आपको सम्मानित भी शायद किया गया था। जी, मुझे 127 बार रक्तदान देने के लिए इसी दशहरे का एक कार्यक्रम में उस दरमियान मैं सतना में था जी। और महाराज साहब के विशेष आग्रह पे मैं यहाँ आया था, और जिसमें मुझे किले में जो है विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया था जी। और उसी प्रकार एक वर्ष बाद देखिए जो है उसी दशहरे की झांकी के दरमियान, महाराज साहब की झांकी के दरमियान मेरे साथ ये बर्बरता और दुर्घटना हो रही है। जिस टाइम आपके साथ मारपीट हो रही थी, वहीं उसी टाइम महाराजा की झांकी भी उस वहीं पे से गुजरी थी। जी बिल्कुल, ये इसको इत्तफाक कहेंगे कि जिस वक्त वो झांकी का आना हुआ और उस मेरे साथ ये घटना और बर्बरता होना। आपसे कोई अभी मतलब चर्चा की है क्या कोई? नहीं, अभी तक इस संबंध में नहीं, अभी तक मेरे न कोई फोन आया है, न मुझे कोई पुलिस द्वारा। जब आपको टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे ले जाके थाने में, तो क्या दबाव बनाया जा रहा था आपके ऊपर? नहीं, मुझे बस ये बोले कि बड़ा वकील बनता है, बड़ा जो अपने आप को तुर्रम खां समझता है, बस इस तरह की बातों का बोल बोल करके अभद्रता की जा रही है।